हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका खाना सीखो में। आज हम बनाएंगे मैगी से बहुत ही बढ़िया और सुपर टेस्टी नाश्ता, वो है मैगी डोनट। चलिए मैगी डोनट बनाना शुरू करते हैं। मैगी डोनट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है एक मैगी। इसे हम बारीक बारीक तोड़ देंगे, इसे हम मोटा नहीं रखेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक तोड़ना है। तो ये मैंने मैगी को बारीक बारीक तोड़ लिया है। अब हम इसे सेकेंगे। तो सेकने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैगी को हम डाल देंगे और गैस को ऑन करेंगे और लगातार चलाते हुए इसे सेकेंगे। तो ये देखिए हमारी मैगी अच्छे से सीख गई है, इससे ज़्यादा हम नहीं सेकेंगे। अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ एक प्याज लिया है, इसे डाल देंगे। बारीक कटी हुई कैरेट, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और लास्ट में हम डालेंगे टमाटर। सारी सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स करके इसे थोड़ी सी पकाएंगे। आप अपनी मनपसंद की कोई भी सब्जी इसमें डाल सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट। तो ये सब्जियां पक गई है। तो ये मैंने 3 आलू को बॉईल करके मैश कर लिया है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। आलू और सब्जियाँ अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये मैंने 1 चम्मच मैगी का मसाला लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 चम्मच धनिया जीरा का पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, इसे भी मिक्स कर देंगे और इसे थोड़ा पका लेंगे। तो ये अच्छे से पक गया है। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और गैस को बंद करेंगे और मिश्रण को ठंडा होने के लिए नीचे रखेंगे। तब तक हम स्लरी बना लेंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, 1 बड़ा चम्मच मैदा डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी एक स्लरी बनाकर तैयार करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये स्लरी बन करके तैयार है, 2 ठंडा हो गया है। तो अब हम इसमें से थोड़ा सा डो लेंगे और इसे गोल गोल करके इसके ऊपर प्रेस करेंगे और इसे इस तरह से चकले पर गोल गोल घुमाते हुए एक जैसा कर देंगे और एक ढक्कन लेंगे और इसके बीच में हम खड्डा करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा डोनट बन करके तैयार है। इसी तरह से मैंने ये सारे डोनट बना दिए हैं। अब हम एक डोनट लेंगे और इसे हम स्लरी में डुबाएंगे और ये मैंने मैगी ली है, ये कच्ची मैगी है, इसके ऊपर हम मैगी से कोट करेंगे। तो ये देखिए हमारा डोनट बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी तरह से हम सारे डोनट को तैयार कर देंगे। तो ये मैंने सारे डोनट को तैयार कर दिया है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो तेल को चेक करेंगे तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसमें हम एक एक डोनट डालेंगे और गैस को स्लो कर देंगे। थोड़ी देर के बाद पलटेंगे।
दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे। अच्छे से पक गए हैं तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल देंगे। तो ये हमारे मैगी डोनट बन करके तैयार है। मैं इसे आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। वाव, बहुत ही अच्छा बना है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना और आपके बच्चों को बनाकर खिलाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।